I want to ask that any organization, how any organization split their share price, and what is the criteria? Okay. Like right. 1:2 or 1:2:3. How they decide? He wants to know how a company fixes the share prices and what. No, basically, you see, when there is a company, is not public, it is a private company. A company wants to become public, so they decide the what is the percentage of the equity they will dilute through market, through initial public offer. So, and then earlier there was a formula based on the profit and P/E ratio, but a few years back, SEBI allowed the companies to fix the price band. So companies fix a price band based on their value of whatever the calculation they make, companies' assessment of the their revenue and expenditure or earnings and the growth prospects. It gives a price band. And now it is known that based on the price band, investors basically bid for the stocks in a certain lots of stocks as company decides that you can buy in 10 or 100 or 25, whatever is that. So then in which band the price investors basically bids, so then final price comes out accordingly. जी ठाणे महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी फोन लाइन पर हैं. हेलो. हाँ जी सर, नमस्कार. जी नमस्कार गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए. हाँ जी, हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार. जी नमस्कार. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, ये जो गिरावट सर ये जो देखी जा रही है लगातार, तो सर मतलब क्या इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उसके जो मुख्य कारण है, या हमारे देश में तो ऐसा मतलब इकोनॉमिकली कोई बड़ा क्राइसिस तो हुआ नहीं है, तो सर ये मतलब ये अभी 60 के ऊपर दिख रहा था जाता हुआ, तो ये अभी कितना नीचे आ सकता है और आगे भी कैसे अपने ये जो गिरावट देखी जाएगी, और इसमें जो है जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर या ये जो एफआईज या इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादातर बाहर हो रहे हैं. थैंक यू सर. देखिए, आपने ठीक कहा है कि हमारे फंडामेंटल्स तो वैसे नहीं है कि हम क्राइसिस के रूप में देखें, और ये माना भी जा रहा है कि एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि जो अभी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उनको लेकर के जो धारणाएं बन रही हैं उसमें भी स्टैम्प्स आउट. हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी उससे उस तरीके से प्रभावित नहीं है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है. एक तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए या बाकी प्रोडक्ट्स के लिए देर इज ए डिमांड. सो एंड इट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, वी आर सीइंग कि ग्रोथ हमें दिख रहा है सेक्टर वाइज. तो इसलिए, बट जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं उसको दुनिया का जो घटनाक्रम है खासतौर से कैपिटल मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में, उससे अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग एक ओपन इकोनॉमी है. हमारे यहां दुनिया भर से लोग आकर के स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस, जो इन्वेस्टर्स हैं. तो उसमें पिछले दिनों ये ग्लोबल जो सिनेरियो बदला है उसमें काफी सारा पैसा निकल करके अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसमें गया है. इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनमें भी प्रॉब्लम है अमेरिका को छोड़कर अगर आप देखें तो. सो उसका, क्योंकि उनको जहां ज्यादा कमाई होगी वहां जाएंगे, तो इसलिए एफआईआई ने सेलिंग की. बट ये भी सही है कि इसी दौर में हमारे जो भारतीय जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने खरीदारी की और उन्होंने मार्केट को एक बड़ा सहारा दिया है. सो जहां तक आप कह रहे हैं कि 60 की तरफ 60 क्रॉस करने का, ये तो देखिए मार्केट में ये काफी सेंटिमेंट्स का खेल होता है. मार्केट इज नॉट कम्प्लीटली, एक कोई सेट फॉर्मूला नहीं है फंडामेंटल्स के साथ, कई बार उसका बहुत उतना एक रिलेशन भी नहीं होता. तो इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि कहा जाएगा, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा जो इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उनको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए.